मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज चुके हैं 7 और देख सकते हैं आप शक्ल अभी अभी उठी हुई सोने से। तो बस आज मनाली जाना हो रहा है फिर से, क्या कर सकते हैं, चलो जाते हैं। और बस 9 बजे की बस में जाऊंगी मैं। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, तैयार होते हैं नहा धो के, तो चलिए फटाफट चलते हैं नीचे। अभी जा रहे हैं मम्मी घास काटने और इसके बाद मैं चली जाऊंगी सीधे मनाली। ये डायरेक्ट जा रहा है, इसके बाद इनको मिल नहीं पाऊंगी मैं, ठीक है फिर। ठीक है फिर, अच्छा। तो चले गए हैं घास काटने और जाते जाते दो आंसू भी गिरा दिए बेचारे। जब मैं ज़्यादा दिन रहती हूँ तो मुझे भी जाते टाइम बुरा लगता है और मम्मी को भी लगता है बुरा। तो फिलहाल बोला था उन्होंने सब्जी ले जाने को यहाँ से, तो आई थी मैं सब्जी तोड़ने के लिए। तो तोड़ते हैं सब्जी और फिर निकलते हैं। तैयार तो मैं वैसे हो चुकी हूँ, बस अब निकलना ही है। सामान भी पैक कर दिया मैंने, तो तोड़ लेती हूँ मैं सब्जी। इतनी बड़ी सब्जी कैसे काटते हैं इसको। एक सब्जी तोड़ दी है मैंने और इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और मेरे चुभ गए। फ्रेंड्स, आज आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको लाइव में कभी भी मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है ना, वो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये बात बाद में पता लगती है जब हम फैमिली से दूर हो जाते हैं तब। ये एक तोड़ ली है मैंने, मेरे लिए काफ़ी है ये एक ही। तो चलिए निकलते हैं फिर मनाली की ओर। मनाली जा रही है जा रही हूँ मैं। बाय करो बच्ची को। बाय शू। बाय 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 बच्ची। तो फ्रेंड्स, निकल गई हूँ मैं घर से और अभी 8 बजे वाली बस में जाती हूँ मैं हमेशा, और वो पहुँच जाती है मनाली 1 बजे। और फिर टाइमली पहुंच के बहुत दिन हो गए, रूम में सफाई करने को भी होगी, कपड़े वगैरह धोने को, तब इसलिए मैंने सोचा जल्दी चली जाती हूँ आज। बस फिर क्या बताऊँ कैसा लग रहा है, वर्ड ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। और मम्मी तो चले गए बेचारी इमोशनल होके। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, मिलना होगा पता नहीं अब कहाँ, जैसे रोड में जाके। सभी पहुंच चुकी हूँ मैं रोड में और अब मैं बस का वेट करूँगी यहाँ पे। यहाँ से बस निकलती है शायद 8 बजे, अभी 8 बजने को टाइम है 10-15 मिनट, तो तब तक वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं मनाली पहुंच के, इसके बाद बस में तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। कहूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे मन ही नहीं कर रहा जाने का। घर में ज़्यादा रह के यही होता है, बस जुड़ जाते हैं, मन ही नहीं करता। बहुत याद आएगी लक्ष नक्श मम्मी पापा सबकी, सो क्या कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी तो नहीं है जॉब करना, पर मम्मी, मैं सोचती हूँ मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना खर्चा करवाया, इतना पढ़ाया है, फिर घर में बैठ के भी क्या करना। तो फ्रेंड्स, रास्ते में मुझे अनु दीदी भी मिल गए थे अचानक से, तो कुल्लू कब पहुँचे हमें पता ही नहीं लगा बातों बातों में। और रास्ते में मुझे मेरी दोनों दीदियाँ और इनके बच्चे भी मिल गए थे, दोनों अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आई थी। तो फ्रेंड्स, अभी दिन के 2 बज चुके हैं और मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम में। और रूम में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने सफाई की और अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है, सबसे पहले तो मैं पानी लेने जाऊँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो बस फिर फिलहाल अभी इतना ही है। और अभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, तो इसको खा लेती हूँ फटाफट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि इससे आगे और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सब रात का खाना पीना होगा बस।
तो यार अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।